हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 11 अप्रैल 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे सारे NCERT सब्जेक्ट्स के और वेरियस स्टैंडर्ड बुक्स के कोर्सेज आते हैं MCQ फॉर्मेट में। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ जो नंबर दिए गए उस पर कॉल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ये टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। सेंटर मस्ट स्पेंड मोर, सेंटर को और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, टैक्स रिवेन्यू को भूल जाना पड़ेगा ताकि जिंदगी यहाँ पे बच सकें। गवर्नमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग इट्स माइंड ऑन वेदर इट शुड एक्सटेंड और लिफ्ट इन फेजेस द 21-day लॉकडाउन दैट एंड्स नेक्स्ट वीक। 14 तारीख को जो 21-day लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है, अब पता नहीं सरकार सोच रही है, अभी तो दिमाग लगा रही है कि ख़त्म करें कि बढ़ाएं, और अगर ख़त्म भी करें तो फेजेस में करें कि एक साथ करें, कि पहले हॉटस्पॉट को बंद रखें, बाकी जगह खोल दें, या फिर स्कूल्स बंद रखें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए चॉइस यही है कि अब उन्होंने वैसे तो 24 मार्च को लगाया था और वही चॉइस आज भी है कि लॉकडाउन आगे लगाए नहीं लगाए। भाई जिंदगियां बचानी हैं, लाइवलीहुड्स इंश्योर करने हैं। अब देखो, जिंदगियां बचानी मतलब बाहर नहीं निकलोगे तो आप बच जाओगे, लेकिन लाइवलीहुड, आपके खाने पीने का क्या, उसके लिए भी समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना पड़ेगा। और पहले तो इन्होंने लाइव्स की चिंता करी जब 24 मार्च को लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, अब लाइवलीहुड की चिंता इनको करनी पड़ेगी। अब इंडिया जैसे जैसे लॉकडाउन पीरियड के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है, वैसे वैसे सीरियस डैमेज इकोनॉमी को हो रही है, और लाइवलीहुड जो है वो धीरे धीरे नज़र आ रही है किस तरीके से जिंदगियां जो हैं वो बाहर निकलने को बेताब हैं। बाहर निकलना चाहती है, कमाना चाहती है, लोग फैक्ट्रियां खुलना चाहती है, कंपनियां जो है वो कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रही है कैसे ना कैसे खुल जाए। इंडस्ट्री बॉडीज से ट्रेमेंडस प्रेशर आ रहा है सरकार की तरफ, एक पॉलिसी लाओ, ऐसी पॉलिसी लाओ कि जिंदगियां भी बची रहें, लोग भी बचे रहें, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से लाओ कि कम से कम जो ज़रूरत, जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतमंद जो इंडस्ट्रीज है जिनका चलना ज़रूरी है, वो तो स्टार्ट होए। लेकिन क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ और समय और लग गया तो हम कोलैप्स हो जाएंगे, और अगर कुछ ज़्यादा देर तक लॉकडाउन लग गया तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाएगी। हाँ, लॉकडाउन है, उसके बाद भी हमको ये देखना पड़ेगा कि भूख से लोग की ज़िंदगी नहीं जाए। इसके लिए सेकेंड राउंड ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ जो पैकेज स्कीम जो सरकार लाएगी, फर्स्ट राउंड सरकार ले आई, सेकेंड राउंड सरकार को लाना पड़ेगा ताकि फाइनेंशियल कमिटमेंट, और पहली बात तो जितना पैसा देने की कोशिश की जाए उससे ज़्यादा ही दी जाए, और स्प्रेड यानी हर तबके तक ये पैसा पहुँचे। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ फॉर डिलीवरिंग सपोर्ट एंड ऑल्सो फॉर रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड्स माइट बी रिक्वायर्ड। सपोर्ट किस तरीके से लोगों को तक डिलीवर कर सके, इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए, और रिक्वायर फंड किस तरीके से रेज किया जाए इसके लिए भी आइडिया चाहिए। भाई बॉन्ड्स करके, जैसे GDP लिंक बॉन्ड, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि किस तरीके से PSUs के जो लिक्विडिटी है, एक्सेस लिक्विडिटी, उसको हम टैप कर सकते हैं, या उनके जो नॉन कोर असेट्स हैं उनको बेच सकते हैं, उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे फिस्कल कंजर्वेटिज्म को छोड़ना पड़ेगा। अभी तो बस केवल और केवल इकोनॉमी पे स्पेंड करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट कितना बढ़ता है इसकी जरा सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट पहले ही एकजुट होकर कह रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, पैसा छापो और पैसा स्पेंड करो, छापो बस। अभिजीत बैनर्जी ने भी यही कहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी नहीं, तो अभी तो पैसा छापने में ही भलाई है, जितना पैसा छापोगे, जितना लोगों के पास पहुँचेगा, उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर लोगों की मदद होगी। और यही चीज़ डेवलप्ड कंट्री कर रही हैं। 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा अनाउंस हुआ, वो बेसिकली मार्च 26 को हुआ कि गुड स्टार्ट था, लेकिन वो GDP का 1% था। लेकिन भारत को GDP का कम से कम 5% करनी चाहिए, 5% खर्चा करना चाहिए, जो होगा कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए। समझ में आ रहा है? कैश ट्रांसफ़र पुअर को इतना होना चाहिए कि महीने में कम से कम 3,000 उसको मिले 3 महीने तक। ये तो मिलना ही चाहिए कैश ट्रांसफ़र, साथ ही साथ फ्री राशन, कुकिंग गैस,
जो पहले अनाउंस कर चुके हैं वो भी मिलना चाहिए हार्वेस्ट सीजन में फार्मर्स को। तो ये चीज़ें बढ़नी चाहिए। फ्री राशन तो मिल रहा है, कुकिंग गैस की समस्या सरकार ने सॉल्व कर दी, पैसा 3,000 रुपये मिलना चाहिए कम से कम, 3,000 रुपये महीने, 3 महीने के लिए। लेंडर्स इंक्लूडिंग NBFC, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इनको फ्रीडम देनी चाहिए कि अपने लोन अकाउंट्स को इस तरीके से रीशेड्यूल कर सके ताकि बोरोवर्स उधार जो लेके गए हैं वो इस प्रेशर में ना आए कि उनको लोन फटाफट चुकाना पड़ेगा। क्रेडिट गारंटी फंड इसके लिए जो है बना सकते हैं कि भाई ऐसे बोरोवर्स जो नॉन डिलीक्वेंट हैं, मतलब डिलीक्वेंट मतलब जो कानून को सपोर्ट नहीं करते, और नॉन डिलीक्वेंट मतलब जो कानून कायदे के साथ काम करते हैं, उनके लिए सपोर्ट क्रेडिट गारंटी फंड यहाँ पे बनाया जाए ताकि 6 महीने तक वो जो है नहीं चुकाए तो बाद में वो चुका सकते हैं। अब उसके लिए तो खैर अगर 6 महीने में नहीं चुकाए तो वो तो 6 महीने बाद चुकाने पड़ेंगे, उसके लिए ब्याज बढ़ सकता है, प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ सकता है, टाइम पीरियड बढ़ सकता है, लेकिन 6 महीने तक इनको सपोर्ट मिले चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी। और ये डोमेस्टिक बॉन्ड ऑफरिंग से फंड जो है फाइनेंस किया जा सकेगा। बैंकक्रप्सी कोड जो है वो 6 महीने तक अभी सस्पेंड कर देना चाहिए, जिसमें आपके जो बैंकक्रप्सी इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस है वो सॉल्व होते थे। MSMEs के लिए तो कर ही देना चाहिए। GST हॉलीडे 3 महीने का डाल देना चाहिए, 3 महीने तक GST कोई जो है यहाँ पे नहीं भरेगा। 3,00,000 करोड़ का नुकसान होता है ज़्यादा, लेकिन देखो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही तो GST लेके भी सरकार क्या कर लेगी, कितना का आएगा। तो इससे बढ़िया ना GST हटा ही दो ताकि लोगों के पास कम से कम बिजनेस के पास कैश तो रहे, ताकि वो कम लॉकडाउन के बाद बिजनेस स्टार्ट तो ढंग से कर पाए। तो क्राइसिस अभी ये है कि काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है, विदाउट प्रेसिडेंट, यानी अभी आज तक कभी ऐसा आया नहीं, नया स्केल पे ये हो रहा है। तो सॉल्यूशंस जो है कंजर्वेटिव भी नहीं हो सकते, जो चीज़ पहले कभी आई नहीं उसके लिए सॉल्यूशन पहले जैसा कैसे होगा। नए सॉल्यूशन चाहिए, नए दिमाग चाहिए, नए आइडियाज चाहिए। तो यहाँ पे सपोर्ट जो है गवर्नमेंट से चाहिए जो कि फटाफट डिलीवर हो, यही ज़रूरत है अभी। स्टेज फ्राइट बात हो रही है, लिमिटिंग ट्रांसमिशन इन हॉटस्पॉट डिपेंड्स ऑन वाइडर ट्रेसिंग एंड हेल्थ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डाटा है इसमें। इसमें यह आप ध्यान रख लो कि अभी जिस तरीके से ICMR अपने टेस्ट अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज कर रहा है, भाई यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री कह चुकी है कि लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, लेकिन जो इंडिया की नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है COVID-19 में, जो शायद फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर है, एक बार चेक कर लेना, COVID-19 टास्क फोर्स, इन्होंने कहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ही नहीं। लेकिन ICMR ने कह दिया कि हाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन 15 स्टेट के 36 डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है। कहीं ना कहीं अब जो स्ट्रेटेजी रिवाइज कर रहे हैं लोग, जो हॉटस्पॉट में जिनको जरा सा भी इन्फ्लुएंजा है ना, जरा सा भी खांसी बुखार है, तो उनको भी चेक कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंजा लाइक इनलेस भी जिसको है कुछ सिम्टम भी हैं तो उनको भी चेक कर रहे हैं हॉटस्पॉट के अंदर। मोलिकुलर टेस्टिंग भी की जा रही है, एंटीबॉडी टेस्टिंग भी की जा रही है। एंटीबॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं जो वायरस वगैरह, मोलिकुलर में आपके जीन्स वगैरह को चेक करते हैं कि आपके जीन्स कितने जो है खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कितने बीमारियों को जो है यहाँ पे कैप्चर करने के लिए जो कमज़ोर है, कितनी बीमारियाँ वो ले सकते हैं, जीन कितने कमज़ोर है आपके, किस स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है आपका, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें मिलकर यहाँ पे फटाफट जो है डिसाइड करेंगी, अगर टेस्टिंग वगैरह सब करके, टेस्टिंग क्वारंटाइन टेस्टिंग करके, ट्रेस करके, क्वारंटाइन करके, टेस्टिंग करके, किस तरीके से जो है भारत स्प्रेड को रोक सकता है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, डेथ और केसेस नहीं बढ़े। अगेंस्ट ट्रंप एंड डेमोक्रेटिक मशीन, देखो बात ये हो रही है कि ये ट्रंप के जो है वो USA की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात है तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो हमारी चीज़ जरूरी नहीं है, खास करके विदेश की तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। द स्टोरी ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट COVID-19 क्लस्टर, ये जो क्लस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है और इसकी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए हमको ये वाले आर्टिकल ही पढ़ने पड़ेंगे। टीम इंडिया एंड विनिंग द पेंडेमिक बैटल, ये बहुत ज़रूरी है। एपेडमिक को हटाने के लिए आपका पॉलिटिकल विल भी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल भी चाहिए। अब ये कैसे चाहिए ये पढ़ते हैं। व्हेन वी विल मूव COVID-19 फ्रॉम अ टेंस प्रेजेंट टू पास्ट टेंस, कब हम COVID-19 को जो प्रेजेंट टेंस के रूप में चल रहा है पास्ट टेंस बना देंगे, मतलब कब उसको हम भूतकाल में ले जाएंगे, कब इसको हम पास्ट की चीज़ बना देंगे। क्वेश्चन जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने ये खड़ा हो रहा है कि 21 दिन के नेशनल लॉकडाउन के बाद क्या होगा, क्या हमारी ज़िंदगियाँ नॉर्मल हो जाएंगी, क्या हमको सालों तक वेट करना पड़ेगा कि हम नॉर्मल हो जाए, रिकनेक्टेड वर्ल्ड में पहुँच जाए, वो दुनिया कहाँ आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, क्या होगा। इंडिया को खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब उसके लिए चाहे लॉकडाउन हटाने की बात हो चाहे लॉकडाउन लगाने की बात हो, खुद के लिए डेवलपिंग, खुद के लिए डोमेस्टिक कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट बनाना हो, चाहे किट्स बनानी हो, चाहे ड्रग्स बनाने हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने हो। तो यहाँ पे
हमको साइंटिफिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ज़रूरत है पूरी दुनिया के साथ, ऐसे तो ज़रूरत है, लेकिन सेल्फ रिलायंस हमको चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह हम दुनिया पर डिपेंड हो जाए, क्योंकि सेल्फ रिलायंस इज द रडर। रडर मतलब ऐसे, रडर क्या होता है, एक मेटल का या वुड का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बोट वगैरह की जो एयरप्लेन्स इनकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये सेल्फ रिलायंस ही एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको आगे लेके जाएगा। कनेक्ट तो रहना है दुनिया से, लेकिन खुद को भी जो है इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि हम खुद से जो है काम कर सकें। जैसे कि अगर आप देखो, फ्रेंच और जर्मन ऑफिशियल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका ने उनके मास्क सीज कर लिए। वो मास्क जो है वो चाइना से आ रहे थे। वार ऑफ द मास्क इसे कहा जा रहा है, वार ऑफ द मास्क, गियर द मास्क, वार ऑफ द मास्क। तो यहाँ पे जो है हम अपना अगर कोर्स आगे बढ़ाएं तो हमको सबसे पहले तो कुछ प्रश्नों के आंसर सोल्व करने पड़ेंगे। डिड द लॉकडाउन बेनिफिट अस एंड वी विल गेन फर्दर बाय एक्सटेंडिंग फुली और पार्शियली? लॉकडाउन बेनिफिट किया हमको, किया तो आगे हटाए कि नहीं हटाए? अगर बढ़ाएं तो पूरा बढ़ाए कि आधा बढ़ाए? हटाए तो पूरा बढ़ाए कि आधा हटाए? वही बात है। हम क्या इस पोजीशन में है कि हम कैपेसिटी अपनी हेल्थ सिस्टम की बढ़ा सकते हैं इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ के लिए, और हेल्थ रिस्पॉन्सेज को बढ़ा सकते हैं पूरी दुनिया भर में, मतलब पूरे देश भर में कुछ वीक्स के अंदर अंदर अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो? क्या हम रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करें? क्या कोई फेवरेबल फैक्टर्स हमारे देश में मौजूद भी हैं जिसके लिए हमारे पास बीमारी इसकी कम हो, या हमको जो है कुछ फ़ायदा मिले, या हमारी ऐसा कुछ भाग्य हो? पार्टनरशिप किस तरह की हमको चाहिए देश में, किस तरीके से डेवलप करनी पड़ेगी, किस तरीके से मोबिलाइज करनी पड़ेगी ताकि इफेक्टिव रिस्पॉन्स डेवलप भी हो और डिलीवर भी हो? 3 वीक का लॉकडाउन जो लगा, इन्फेक्टिविटी रिड्यूस तो हुई, लेकिन अब तक जो है ये पता नहीं चलेगा जब तक 3rd वीक जो है नहीं हो जाता, यानी 14 अप्रैल तक आपको पता चल जाएगा कि लॉकडाउन का मतलब कितना फ़ायदा रहा। क्योंकि वास्ट मेजोरिटी, अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का, 14 दिन के बाद जो है यहाँ पे सिम्टम निकलने शुरू होता है। ऐसे तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ द केसेस 11 दिन में ही निकल आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इन्फेक्टेड जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं और 11 दिन 12 दिन 14 दिन से पहले भी जो सिम्टम्स दिखाते रहे। अब सर्विलियन हो रही है, कोई क्लिनिक्स में चेक कर रहा है, कोई जो है टेस्टिंग शुरू कर रहा है, अलग अलग तरह की सर्विलियंस हो रही है, कोई घर घर जाके कर रहा है आंध्र प्रदेश में, कोई कहाँ कर रहा है लॉकडाउन में। लार्ज ब्लॉक मतलब विलेज और ब्लॉक लेवल वॉलंटियर जो हैं वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं ना कि हेल्थ वर्कर्स सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, उनके साथ वॉलंटियर्स मिलकर काम कर रहे हैं, मेडिकल टीम यहाँ पर मिलकर काम कर रही है, एनजीओ यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी यहाँ पर मिलकर काम कर रही है। तो यहाँ पर डिजाइनेटेड जो वॉलंटियर्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये डिटेक्शन आइसोलेशन केस डिटेक्शन आइसोलेशन काउंसलिंग सेवरिटी बेस्ड केयर और सोशल सपोर्ट पैदा कर सकती है, बढ़ा सकती है, डेवलप कर सकती है, डिलीवर कर सकती है। सेवरिटी बेस्ड केयर यानी जितनी गंभीर बीमारी उतनी ज़्यादा केयर जिसको जरूरत है उसको दे सकती है, और जरूरी भी है ये करना कि जितनी गंभीर बीमारी उतनी ज़्यादा उसको सहायता, सेवरिटी बेस्ड केयर। कुछ फेवरेबल फैक्टर्स देश में हमारे मौजूद है, जैसे हमारे यहाँ पे लोग जवान हैं और जवानों को COVID-19 इफेक्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पे डेथ कम होती है और इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता क्योंकि जवानों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन गांव में ज़्यादा है, तो गांव में जो है लोग एक दूसरे से वैसे भी दूर दूर रहते हैं, हाईली डेंसिटी तो नहीं होती और एक दूसरे से दूर रहते हैं, मोबिलाइज करते नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स और कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी ओल्डर है, अर्बन है और हाईली मोबाइल है, उनसे तो हमको फ़ायदा होगा, लेकिन हमको एल्डरली लोगों को भी बचाना पड़ेगा और एल्डरली लोगों को भी एनर्जिकली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कोशिश की जाए कि अर्बन टू रूरल मूवमेंट नहीं हो, लोग शहरों से गांव की तरफ नहीं बढ़े, लेकिन एसेंशियल गुड्स और एसेंशियल गुड्स जो है प्रोवाइड होती रहे। एटलीस्ट अगर लॉकडाउन एंड भी होता है उसके बावजूद भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग जो है मूवमेंट कम से कम करें, एसेंशियल गुड्स जो है प्रोवाइड होती रहे, कम से कम मूवमेंट हो, हेल्थ और न्यूट्रिशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी गरीब की इंश्योर होनी चाहिए। एल्डरली पर्सन टू शुड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग, बूढ़े लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, गाँव के बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है फिर धीरे धीरे आप रिज्यूम कर सकते हो, जून तक अगर हम आ जाते हैं धीरे धीरे रिज्यूम करते करते भाई गांव को खोल देंगे, लेकिन अर्बन से गांव में जो है मूवमेंट नहीं होगा, हॉटस्पॉट बंद कर देंगे, गांव में कुछ जगह खोल देंगे, जैसे फार्मर जो है उनको लेबर की जरूरत होती है कि वो पैदावार हार्वेस्ट सीजन रबी क्रॉप्स को जो हार्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर चाहिए, तो लेबर के लिए जो मूवमेंट हमको खोलना पड़ेगा, नहीं तो किसानों को पैसा देना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेबर को पहुंचाना पड़ेगा। तो हमको एक धीरे धीरे 2-3 महीने तक के अंदर एक बेटर पिक्चर मिल जाएगी कि वायरस कितना फैला, कितनी ज़्यादा सेवरिटी है देश भर के अलग अलग भागों में। इसके लिए हमको ग्रेटर लेवल ऑफ टेस्टिंग चाहिए ताकि हम असिम्प्टिक और सिम्प्टिक पर्सन दोनों को डिटेक्ट कर सके, जो लक्षण दिखा रहा है जो लक्षण नहीं दिखा रहा दोनों को, और जो इन्फेक्ट हो चुका है उसको भी, जो सिम्प्टिक पर्सन है जो इन्फेक्ट हो चुका है उनको तो देखना ही पड़ेगा। रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, मतलब अलग अलग जगह से जहाँ पर केसेस नहीं है वहाँ पर भी करनी पड़ेगी, हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग हों जिनको हो रखा है लेकिन सिम्टम दिखने की वजह से वो पहचान में नहीं आए हो। टेस्टिंग कैपेसिटी हमको क्विकली गियर अप करनी पड़ेगी ताकि ये जो मैपिंग का जो मैंडेट है ये पूरा कर सके, मैपिंग करने का कि भाई कहां कहां ये बढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट को तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, और
कितने सिम्प्टिक केसेस आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा, होम विजिट करने पड़ेंगे, पॉपुलेशन सर्वे रिजल्ट के आधार पर देखने पड़ेंगे, हॉटस्पॉट को रिंग फेंस करना पड़ेगा, चारों ओर से घेरना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स के सर्च करने पड़ेंगे, स्प्रेडर मतलब जो कि कई सारे लोगों को फैला देता है उनको रोकना पड़ेगा। यहाँ पे समर आ जाएगी, जून में गर्मी बढ़ जाएगी, कुछ हमको फ़ायदा मिलेगा, फुल रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबूत ये है अभी कि वायरस जो है, जैसे कोरोना वायरसेस गर्मी में जो है चले जाते हैं हॉट वेदर में, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे मलेरिया जो यहाँ पे ड्रग्स है, बीसीजी वैक्सीनेशन जो है, या आपकी टीबी की जो वैक्सीनेशन है वो बता, जिनको भी वैक्सीनेशन लगी हुई थी टीबी की उनको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, और जिनको हो चुका वो मलेरिया जो एंडेमिसिटी है, मलेरिया के जो ड्रग्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये ड्रग्स जो है बचा सकते हैं, हालांकि स्पेक्युलेटिव है, सबूत पूरे नहीं है, और अभी तक इनमें जो है कोई ऐसा नहीं आया कि ये क्वालिफाई कर जाए फॉर इन्फेरेंस ऑफ कॉजेशन। इन्फेरेंस ऑफ कॉजेशन मतलब ये अच्छा टर्म है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे रिलेशन बैठ जाए कि हाँ इस ड्रग से इलाज हो रहा है, इस चीज़ से ये चीज़ हो सकती है, एविडेंस मिल जाए, सबूत मिल जाए कि हाँ ये चीज़ जो है ये चीज़ करने में सफल हो रही है, ये चीज करने में इसका रिलेशन है। तो लिविंग कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, मास गैदरिंग हमको रोकनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमको ये सब चीज़ें रोकनी ही पड़ेगी, अगर हम डिसिप्लिन नहीं करें तो सब चीज़ बिगड़ती जाएगी। कुछ फैक्टर्स हमको फेवर करते हैं, डिसिप्लिन में हमको बनाना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल कितनी है, प्रोफेशनल स्किल कितनी है, साथ ही साथ कंट्री वाइड मल्टी सेक्टरल रिस्पॉन्स हमको चाहिए, अलग अलग सेक्टर से चाहिए, ये गेम है एक तरीके से क्रिकेट का, इसमें पिच की कंडीशन हमारे बिल्कुल फेवर करती है, लेकिन हमको खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। भाई गर्मी बढ़ती जा रही है, पिच कंडीशन हमारे फेवर में है, कोविड 19 हमारा एक बैट्समैन है जो कि फ्रीली जो है खेल रहा है, और हेल्थ सिस्टम बॉलर है जो कि बॉल करा रहा है, और वो बस कैसे ना कैसे उसको आउट करना चाहता है। अब मल्टी सेक्टर रिस्पॉन्स कैसे होगा, अलग अलग सेक्शन अलग अलग सेक्टर से, कि जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज जो फील्ड्स हैं वो एक तरीके से फील्डर्स हैं, वो रोक रहे हैं बॉल को कहीं जो है फील्ड के बाहर ना चल जाए, चौके छक्के ना चल जाए, बाउंड्री क्रॉस ना कर जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो है फील्डर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। सबको सतर्क रहना पड़ेगा, सबको घुटनों में रहना पड़ेगा, पूर हेल्थ सिस्टम अगर हुआ मतलब यहाँ पे बॉल आपने छोड़ दी, और सप्लाई मतलब यहाँ पे बॉल ढंग से नहीं कराई गई, सप्लाई चेन डिले हो गया मतलब कैच छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग वायलेशन कर दिया मतलब फील्डिंग होगी, तो एक तरीके से क्रिकेट के गेम में इसको हमको आउट करना ही पड़ेगा, उसको हमको जीतना ही पड़ेगा, हमको ये श्योर करना पड़ेगा कि हम टीम इंडिया जो है हमारी जीत जाए, हमको ये भी श्योर करना पड़ेगा कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो टाइमली और कॉम्पिटेंट केयर सबको दे सके जिनको वास्तव में जरूरत है। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, पब्लिक एंड प्राइवेट टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही साथ उनमें इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो जो काम कर रहे हो उनको साथ में लें या फिर जो रिटायर हो चुके हैं उनके साथ में लें। खैर आप कह सकते हो कि जो रिटायर हो चुके हैं वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और थोड़े से ओल्डर हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हम लेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और वैसे भी बुजुर्गों में जो है बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ओल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमको फील्ड पे हम उनको नहीं लाएंगे, उनको हम ये कर सकते हैं कि वो यंगर स्टाफ मेंबर्स को जो है इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है, यंगर स्टाफ मेंबर्स को हम आगे लाएंगे, बाउंड्री पे लाएंगे, फील्ड पे लाएंगे, अलग अलग जगह मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, उनको इफेक्ट भी हुआ तो कम से कम उनको चांसेस होंगे कि उनको ज़्यादा जो है यहाँ पे सीवरिटी हो जाए, ज़्यादा गंभीर समस्या कोविड 19 से जवानों को नहीं होती, ज़्यादा इन्फेक्शन इनको नहीं होता, लेकिन ओल्डर जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो सुपरवाइजरी सपोर्ट दे सकते हैं। इसके लिए हेल्थ केयर जो वर्कफोर्स है जो थक गई है उसको ऊपर से सपोर्ट मिल सकता है अपने बड़े लोगों से, बुजुर्गों से, एक्सपर्ट से। टेम्पररी हॉस्पिटल्स हमको बनाने पड़ेंगे ट्रीटमेंट के लिए, आइसोलेशन के लिए, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि यहाँ पे कुछ समय तक जो पर्सन क्वारंटाइन पे उनको ऐसे नहीं कि घर में बैठे रहे और उनको जो इलाज नहीं मिले, तो इंडस्ट्री को यहाँ पे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ड्रग्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, प्राइवेट लैब्स को जांचें जो है फ्री करने पड़ेगी, कैपेसिटी अगर आज़ादी देती है तो हमको जो है और भी कंट्रीज़ को असिस्ट करना पड़ेगा, उनको भी सहायता देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये पहले हमको अपनी सहायता करनी पड़ेगी, ये हमारा गेम प्लान है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम फील्ड सेटिंग चेंज कर सकते हैं, बॉलिंग हम चेंज कर सकते हैं, याद आ गया ना क्रिकेट में चला मतलब टेस्टिंग रिवाइज कर सकते हैं, हॉटस्पॉट देख सकते हैं, किस तरीके से काम करना है वो देख सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से काम कर सकते हैं, सिचुएशन बार बार हम पीरियडिकली मॉनिटर रीएसेस और चेक कर सकते हैं, हमको ये जीतना ही पड़ेगा। लेट अस गेट गोइंग टू विन दिस मैच, टीम इंडिया की तौर से हमको ये चलना पड़ेगा और मैच जो हमको जीतना पड़ेगा। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड ब्लेस यू ऑल।